कूलाम के नियम के अनुसार अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा F। वो फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जो प्रोडक्ट है Q1 इंटू Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो Q1 Q2 / r² प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 / r². K को हम बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε₀। अब K का वैल्यू डायरेक्ट भी हम लोग पता कर सकते हैं, अगर वो वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए ε₀ होता है 8.85 × 10⁻²। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो K की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी 8.99 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2 / कूलाम² इसको हम 9 × 10⁻⁹ भी लिखते हैं, न्यूटन × मीटर स्क्वायर / कूलाम²